जड़ी बूटी ले लो, बाल बढ़ाने वाली जड़ी बूटी सिर्फ 5 रुपए में। बाल बढ़ाने वाली जड़ी बूटी सिर्फ 5 रुपए में? जरा देखो तो। सुधा को अपने बाल बढ़ाने थे, उसके लिए अब वो कुछ भी कर सकती थी। उसने बूढ़े आदमी से जड़ी बूटी खरीद ली। उस आदमी ने कहा, इस जड़ी बूटी को जोर जोर से पीसना, पीसने से तेल निकलेगा, उस तेल को सोने से पहले अपने बालों पे लगाना। जड़ी बूटी लेकर सुधा घर चली गई। तभी सुधा जड़ी बूटी पीस कर तेल निकाल कर और उसे अपने सर पर लगाकर सो गई। और अगले दिन सुबह नींद से उठने के बाद उसने देखा उसके सर पर जितने भी बाल थे वो सब झड़ गए हैं। सुधा ये विश्वास नहीं कर पा रही थी। कहते हैं लड़कियां लंबे बालों में ही अच्छी लगती हैं, लेकिन सुधा के बाल बचपन से ही छोटे थे, उसके बाल बढ़ते ही नहीं थे। ऊपर से वो सांवली भी थी और दूसरी ओर उसकी बहन राधा के लंबे और घने बाल थे और राधा गोरी भी थी, इसीलिए राधा बचपन में हमेशा सुधा को चिढ़ाती थी। तू तो मेरी सगी बहन नहीं है, तुझे तो माँ और पापा रास्ते से उठाकर लाए थे, नहीं तो तू इतनी बदसूरत कैसे है। ये सुनकर सुधा हमेशा रोती थी। माँ पापा देखो ना राधा क्या बोल रही है, माँ पापा देखो ना। राधा और सुधा की माँ शमिता कहती थी, रो क्यों रही है सुधा, राधा ने कुछ गलत तो नहीं कहा, तू बदसूरत है, तेरे सर पर बाल भी नहीं है, मुझे ऐसी बेटी नहीं चाहिए थी। सुधा का पिता भी उससे प्यार नहीं करता था। सुधा को हमेशा हर किसी से नफरत ही मिलती थी। ऐसे ही बड़ी हुई सुधा। हर रोज वो रात को रोती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी, हे भगवान कुछ चमत्कार करवा दीजिए, मेरे पैर तक लंबे बाल उगा दीजिए, प्लीज भगवान प्लीज। और इसी तरह सुधा और राधा दोनों जवान हो गए। आज सुधा को लड़के वाले देखने के लिए आने वाले हैं। सुधा आईने के सामने बैठकर तैयार हो रही है, उसके सर पर अभी भी ज्यादा बाल नहीं है। वो आईने में अपने आप को देख ही रही थी कि तभी उसकी माँ आ गई और ताने मारना शुरू कर दिया। यहाँ ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, जल्दी जल्दी करो नहीं तो ये लड़का भी हाथ से चला जाएगा। वहाँ राधा आ गई और बोली, माँ मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझसे पहले इस भूतनी की शादी क्यों करवाना चाहती हो। राधा बेटी, इस भूतनी को तो पहले विदा करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में कौन इससे शादी करेगा। एक बार बस ये सर से उतर जाए, उसके बाद मैं तेरे लिए बहुत अमीर और अच्छा लड़का ढूंढ कर लाऊंगी। माँ आप सभी मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो, आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। तेरे सर पर बाल नहीं है सुधा, तू बदसूरत है बदसूरत, तू मेरी बहन कहलाने के लायक नहीं है। थू। सुधा रोने लगी। वो पूरी जिंदगी रोती ही आई है। अविनाश नाम का लड़का सुधा को देखने के लिए आया। शमिता के कहने पर राधा अपने कमरे में ही बैठी हुई थी, क्योंकि शमिता ने उससे कहा था, बेटी तू कमरे के अंदर ही रहना, नहीं तो लड़के वाले सुधा से रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। खैर अविनाश के साथ सुधा का रिश्ता तय हो गया, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा दहेज देना पड़ा। उस बात को लेकर भी शमिता सुधा को ताने मारने लगी। सुधा मन ही मन सोचने लगी, अपने घर में तो मुझे शांति नहीं मिली, शायद ससुराल में जाकर मैं खुश रहूंगी। सुधा की शादी हो गई और शादी वाले दिन ही अविनाश ने राधा को पहली बार देखा और देखते ही उसके प्यार में पड़ गया। यार मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा, कितनी गोरी है ये, कितने लंबे बाल है इसके, इससे पहले मिल लेता तो मुझे इस भूतनी से शादी नहीं करनी पड़ती। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। सुधा अविनाश के साथ ससुराल चली गई और ससुराल पहुंचते ही सुधा की सास विमला ने सुधा को 1000 काम थमा दिए। रसोई जाओ और सारे बर्तन मांजो, उसके बाद खाना बनाओ और उसके बाद पूरा घर साफ करो। मत भूलना कि तुम्हें इस घर की बहू सिर्फ और सिर्फ काम करवाने के लिए ही बनाया गया है। ठीक है माँ जी, नहीं भूलूंगी। सुधा बिना थके काम करने लगी। उसकी सास और उसका पति उसके छोटे छोटे बालों को लेकर मजाक उड़ाने लगे। तुम्हारे बाल तो मुझसे भी छोटे हैं सुधा। ये तो पूरी नौकरानी लग रही है। हाँ हाँ मुफ्त की नौकरी। अविनाश मजाक उड़ाता ही गया और एक दिन उसके साथ राधा की मुलाकात हो गई। राधा को अपने लंबे बालों को लेकर बहुत अहंकार था, वो सुंदर भी थी। अविनाश को उससे प्यार हो गया और राधा भी अविनाश को पसंद करने लगी और एक दिन अविनाश और राधा ने शादी कर ली। राधा अविनाश के घर चली आई। ये देखकर सुधा को जैसे सदमा लग गया। राधा राधा तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, तूने मेरे पति से शादी कर ली। चुप रह समझी ना, अविनाश तो तुझसे प्यार भी नहीं करता है, वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। हाँ हाँ ऐसे बिना बाल की औरत से कौन प्यार करेगा, मुझे तो लंबे बालों वाली लड़कियां पसंद है। सुधा बस अकेली चुपके से रोती रही। अगले दिन वो बाजार गई और देखा एक बूढ़ा आदमी जड़ी बूटी बेच रहे हैं। जड़ी बूटी ले लो, बाल बढ़ाने वाली जड़ी बूटी सिर्फ 5 रुपए में। बाल बढ़ाने वाली जड़ी बूटी सिर्फ 5 रुपए में, जरा देखो तो। सुधा को अपने बाल बढ़ाने थे, उसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी।
उसने बूढ़े आदमी से जड़ी बूटी खरीद ली। उस आदमी ने कहा, इस जड़ी बूटी को जोर जोर से पीसना, पीसने से तेल निकलेगा, उस तेल को सोने से पहले अपने बालों पे लगाना। जड़ी बूटी लेकर सुधा घर चली गई। रात को सभी सो गए और तभी सुधा ने जड़ी बूटी पीस कर तेल निकाला और उसे अपने सिर पर लगाकर सो गई। और अगले दिन सुबह नींद से उठने के बाद उसने देखा उसके सर पर जितने भी बाल थे वो सब झड़ गए हैं। सुधा को जोर से रोना आ गया, ये क्या हो गया, मेरे सारे बाल झड़ गए, अब मैं क्या करूं। सुधा जोर जोर से रोने लगी और उसे इस हालत में अविनाश, विमला और राधा ने देख लिया। ये क्या, तू पूरी तरह से गंजी हो गई? छी, मैं देख नहीं पा रहा हूँ तुम्हारी तरफ, मुझे उल्टी आ रही है। सुधा तुम निकलो यहाँ से, यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम इस घर में रहोगी तो इस घर का नाम बदनाम होगा। सभी ने मिलकर सुधा को घर से निकाल दिया। सुधा रोती हुई एक जंगल में चली गई। जंगल में वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। उसी पेड़ पर एक पंछी रहती थी। उसने सुधा को रोते हुए देखकर कहा, तुम रो क्यों रही हो? सुधा ने उस पंछी को सब कुछ बताया। रो मत, ज्यादातर इंसान बुरे होते हैं, इसीलिए तो हम जंगल में रहते हैं। इस जंगल में सब कुछ है, बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज है यहाँ। एक फल है, उसका रस निकाल कर सर पर लगाने से बाल बड़े हो सकते हैं। सच, कहाँ मिलेगा मुझे वो फल? मैं लाती हूँ। उस पंछी ने कुछ ही देर में सुधा को फल ला कर दिया। उस फल का रस निकाल कर सुधा ने सर पर लगाया और उसके बाल उगने लगे। उसके बाल सर से पैर तक आ गए, काले लंबे घने बाल, ठीक जैसा सुधा चाहती थी। सुधा ने पंछी से कहा, अच्छी पंछी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस फल का रस लड़कियों को बेचना चाहती हूँ, उन लड़कियों को जिनके बाल नहीं उगते, ताकि उन्हें भी मेरी तरह परेशानियों का सामना न करना पड़े। सुधा जंगल से निकलकर फल का रस बेचने लगी और एक दिन उसे अविनाश और राधा ने देख लिया। तुम सुधा हो ना? हाँ, क्यों? अरे वाह, तुम्हारे इतने लंबे बाल कैसे हो गए? इस फल का रस निकालकर सर पर लगाने से। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, क्या तुम मेरे साथ घर आना चाहोगी? ये सब देख और सुनकर राधा को जलन हो रही थी। उसने फल का रस लिया और पूरी बोतल अपने सर पर डाल ली, लेकिन उससे असर उल्टा हो गया, उसके सारे बाल झड़ गए और वो गंजी हो गई। ये क्या हुआ मेरे साथ, मैं गंजी हो गई? बहुत अच्छा हुआ, यही लालच का नतीजा है। बचपन से आज तक तूने मुझे चैन से जीने नहीं दिया, अब देख कैसा लगता है। और हाँ विनाश, मैं फालतू लोगों के साथ नहीं रहना चाहती, तुम रहो अपनी पत्नी के साथ। राधा का अहंकार मिट्टी में मिल गया। अविनाश को भी गंजी राधा के साथ ही रहना पड़ा और फल का रस बेचकर सुधा बहुत अमीर बन गई। चारों तरफ उसके बाल के चर्चे होने लगे और वो खुशी खुशी जिंदगी बीत। तिरुपति बालाजी के दर्शन की लाइन में एक बेहद ही दुबली पतली औरत संगीता लगी हुई थी। उसकी गोद में उसकी बेटी सानवी थी। दर्शन करते वक्त संगीता ने हांफते हुए मन्नत मानी, हे प्रभु, मुझ पर दया करो, मैं कैंसर की मरीज हूँ, मेरा अंतिम समय है, पर मैं अपनी बेटी की सलामती के लिए मन्नत मांगने आई हूँ। मैं आज अपने और अपनी बेटी के बाल आपको अर्पण करने आई हूँ। मैंने सुना है कि आप 10 गुना लौटाते हो, धन संपदा की कमी नहीं रहने देते। आप मेरी बेटी को सुखी रखना प्रभु, आप मेरी बेटी को सुखी रखना। संगीता ने अपने और अपनी बेटी के बाल वहाँ अर्पण कर दिए और वहाँ से चल दी। मंदिर से बाहर निकलते हुए उसे चक्कर आए और वो वहीं गिर गई। उसकी वहीं पर मौत हो गई। बेटी रोने लगी। संगीता की लाश के पास लोगों की भीड़ लग गई। तभी एक औरत उस भीड़ को चीरते हुए आई और सानवी को गोद में उठाकर बोली, मेरी बच्ची, तू तो अनाथ हो गई, लेकिन तेरी मौसी रीमा अभी जिंदा है, मैं अब से तेरा लालन पालन करूंगी। वो सानवी को अपने घर ले गई और उसका लालन पालन करने लगी। ऐसे ही समय बीता और सानवी अब 18 साल की खूबसूरत लड़की हो गई। उसके बाल बेहद ही खूबसूरत और चमकदार थे, उसे जो भी देखता वो मोहित हो जाता। मोहल्ले भर के लड़के उसके दीवाने थे, लेकिन सानवी को तो सिर्फ सीधा साधा मनोज पसंद था। रीमा को जब उन दोनों के प्यार की भनक लगी तो रीमा ने उन दोनों की शादी करवा दी। मनोज के परिवार में उसकी माँ और भाई भाभी रहते थे। सुहागरात के दिन मनोज उसके बालों को छूता है और तारीफ करते हुए कहता है, वाह सानवी, तुम्हारे बाल तो कितने रेशमी और मुलायम है, जी जाता है सारी उम्र इनकी छांव में ही गुजार दूं। अपनी तारीफ सुनकर सानवी शर्मा जाती है। अगले दिन वो सबके लिए अपनी पहली रसोई बनाती है, जिसे चखकर सभी उसकी खूब तारीफ करते हैं। नई बहू के घर में आने से हर कोई उसके बालों की सुंदरता और उसकी ही तारीफ करते रहते, जिससे उसकी जेठानी को बड़ा बुरा लगता।
जब से ये महारानी इस घर में आई है मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। बड़ा घमंड है ना इसे अपने लंबे बालों पर। लगता है इसका घमंड तोड़ने का वक्त आ गया है। अब तो इसे मजा चखाना ही होगा। अनुराधा बाजार से एक ऐसा केमिकल लाती है जिसे लगाते ही सारे बाल झड़ जाते हैं। अनुराधा उस केमिकल को सानवी के शैम्पू में मिला देती है। सानवी जब उससे अपने बाल धोती है तो 3 दिन में ही उसके सारे बाल झड़ जाते हैं और वो गंजी हो जाती है। हे भगवान, ये मेरे बाल, ये कैसे हो गया? अब मैं क्या करूँगी? मनोज जी तो मुझे मेरे बालों की वजह से ही पसंद करते थे, लेकिन अब मैं क्या करूँगी? लेकिन वो बिल्कुल गलत थी। मनोज ने जब उसे देखा, सानवी, मैंने प्यार तुमसे किया है, तुम्हारे बालों से नहीं। तुम मुझे आज भी उतनी ही पसंद हो जितनी पहले थी, और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए फूलों वाला स्कार्फ ले आऊंगा, तुम उससे पहन लेना। मनोज उसके लिए फूलों वाला स्कार्फ ले आया। एक रोज सानवी जंगल में लकड़ियां लेने गई हुई थी, जहां तेज हवा चलती है और उसका स्कार्फ हवा में उड़ता हुआ कहीं चला जाता है। ये देख सानवी रोने लगती है। कुछ देर बाद वहां एक साधु आते हैं जो सानवी से उसके रोने का कारण पूछते हैं। सानवी सारी बात बताती है। वो साधु बाबा उसके सिर पर हाथ रखते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। बेटी, अब से तेरे सारे गम दूर हो जाएंगे। देखते ही देखते सानवी के सर पर पहले की तरह बेहद ही चमकदार और खूबसूरत बाल आ जाते हैं। बेटी, अब से तेरी ये चोटी कोई आम चोटी नहीं बल्कि जादुई चोटी होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। घर आकर सानवी सारी बात अपने ससुराल वालों को बताती है, जिससे उसकी जेठानी और सास के मन में लालच आ जाता है। क्या सच में? तो बहू, तू हमें भी जरा अपनी इस जादुई चोटी का कमाल दिखा। ऐ मेरी जादुई चोटी, दिखा दे अपना कमाल। तो उसमें से काफी सोने की मोहरें बाहर आ जाती हैं। ये देख सब बहुत खुश होते हैं। सास और जेठानी झट से सारी सोने की मोहरें उठा लेती हैं। अब उनके घर में पैसों की कोई कमी नहीं रहती। ऐसे दिन बीतते जाते हैं और उसकी सास और जेठानी हमेशा उसका इस्तेमाल करके अपना मतलब निकालती रहती। ऐसे ही एक रोज, बहू अपनी चोटी का जादू जरा फिर से तो दिखा। वो क्या है ना, घर में पैसे खत्म हो गए। अब तुझे तो पता ही है इस महंगाई में कितने खर्च हो जाते हैं। लाला, जरा और सोने की मोहरे मांग अपनी इस चोटी से। नहीं माँ जी, आप लोगों का लालच दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। भगवान का दिया सब कुछ है अब हमारे पास। मैं अब और अपनी चोटी का इस्तेमाल आपके लालच के लिए नहीं करूँगी, बल्कि गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए ही करूँगी। अगर नहीं दे सकती तो निकल जा मेरे घर से। सानवी अकेली नहीं जाएगी, मैं भी उसके साथ जाऊंगा। इस लालची घर में मैं और नहीं रुक सकता। सानवी और मनोज उस घर से चले जाते हैं, नए एक अलग घर बनाकर रहने लगते हैं, जहां अपनी जादुई चोटी से सानवी गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करती है और अपने पति के साथ खुशी खुशी रहती है।